हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 10 मई तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है आपका महाकौशल कथाविथिका। महाकौशल कथाविथिका जो कि रायपुर में स्थित है, रायपुर में स्थित महाकौशल कथाविथिका एक प्रकार का संग्रहालय है। संग्रहालय है, समझिएगा, महाकौशल कथाविथिका एक प्रकार का संग्रहालय है जहाँ पे आपको चित्रकला, मूर्तिकला और छापा कला की दुर्लभ रचनाएं मिलेगी। ठीक है, देखिए, ये जो आपका संग्रहालय है इसमें चित्रकला, मूर्तिकला और छापा कला मतलब एक लकड़ी के गुटके पर एक पैटर्न उतार करके उसे रंगों में डुबा करके उसकी छपाई की जाती है। ठीक है, उसे कहा जाता है छापा कला। इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप छोटे छोटे मेले में जाएंगे तो वहाँ पे जगह जगह हाथों में मेहंदी लगाने वाले बैठे रहते हैं, वो लकड़ी का एक साँचा में आपका मेहंदी में डुबो करके हाथ में डायरेक्ट आपके मेहंदी उसको छाप देते हैं, वही है आपका छापा कला। ठीक है, तो ये एक संग्रहालय है जहाँ पर आपको चित्रकला मूर्तिकला छापा कला की दुर्लभ रचनाएं यहां पर संग्रहित करके रखी गई है। देखिए, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण वर्ष 1875 में महंत घासीदास जी के द्वारा कराया गया था। महंत घासीदास वही है जिन्होंने आपका जो रायपुर में आपका महंत घासीदास संग्रहालय है, महंत घासीदास संग्रहालय का निर्माण इन्हीं ने कराया था। महंत घासीदास जो कि राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास जी ने आपका वर्ष 1875 में इस महाकौशल कथा विधि का इसका निर्माण कराया था। देखिए, हमारे जो रायपुर में आपका महंत घासीदास संग्रहालय है वो इतिहास से संबंधित है। वहाँ पे इतिहास से संबंधित आपको बहुत सारे आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाएंगे, पुरातात्विक मूर्तियाँ मिल जाएगी, पुरातात्विक महत्व की बहुत सारी चीज़ें वहाँ संग्रहित है। लेकिन ये जो संग्रहालय है ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीज़ें यहाँ पर संजो करके रखी गई, सहेज करके रखी गई है। चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, ये सब चीज़ आपके यहाँ पर संग्रहित करके रखे गए हैं। प्रारंभिक तौर पर ये जो कथा विथिका है ये आपका महंत घासीदास के पर्सनल यूज़ के लिए था। पर्सनल यूज़ के लिए मतलब इनके द्वारा यूज़ किए जाने, महंत घासीदास जी के द्वारा यूज़ किए जाने वाले जो शिकार के औजार तथा जिन जानवरों को वो शिकार करते थे उनके मुखौटे यहाँ पर संग्रहित करके रखे जाते थे। समय के साथ यहाँ पर जो है आपका चित्रकला, मूर्तिकला और छापा कला की जो रचनाएं हैं उन्हें भी संग्रहित किया जाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो महाकौशल कथा विथिका कहाँ पर है पूछा जाए तो रायपुर में। विशेष चीज़ ये है, ये मेहराबदार पत्थरों से बना हुआ अष्टकोणीय भवन है। देखिए, कोई भी भवन आपके चार दीवारों से यानी चार कोने वाला होता है, लेकिन ये जो भवन है ये अष्टकोणीय भवन है जो कि मेहराबदार पत्थरों से, मेहराबदार एक प्रकार का पैटर्न होता है दरवाजों पर जो सजावट किए जाते हैं वो मेहराबदार कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका ताजमहल के यदि आप एंट्रेंस यानी दरवाजे को देखेंगे तो मेहराबदार पैटर्न में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मेहराबदार पत्थरों के बने हुए अष्टकोणीय भवन है। तो महाकौशल कथा विथिका किस जिले में है पूछा जाए तो रायपुर जिले में 1875 में बनाया गया है महंत घासीदास जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेलगुर मंडावी जो कि प्रसिद्ध है आपके भित्ति चित्रकारी के लिए। ये एक भित्ति चित्रकार है। देखिए, ये जो भित्ति चित्रकार है ये एक प्रकार का प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारी है। देखिए, जैसे आपके प्रागैतिहासिक काल के आपको बहुत सारे आपको चित्र मिलेंगे, गुफाओं में चित्र मिलेंगे, जो गुफाओं के जो दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जो गुफाओं में जो चित्र बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके भित्ति चित्र। ठीक है, तो ये जो आपके बेलगुर मंडावी है, ये बेलगुर मंडावी नारायणपुर जिले में रहते हैं। नारायणपुर जिले के बेलगुर मंडावी जो कि एक भित्ति चित्रकार है जो कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके वृक्ष की टहनी की कुची से मतलब जो वृक्ष की एक छोटी सी टहनी को लेकर के उसके सामने भाग को कुचल करके उसका ब्रश बनाते हैं। ठीक है, पेंटिंग के लिए कोई आर्टिफिशियल ब्रश यूज नहीं करते, वृक्ष की टहनी की कुची बना करके उसको ब्रश के रूप में यूज करते हैं और प्राकृतिक रंग यानी फूल, पत्ती, फल इसको मिक्स करके जो प्राकृतिक रंग का उपयोग करके ये भित्ति चित्रकारी करते हैं। ठीक है, इनका जो आपका जो चित्र जो इनका इनके द्वारा जो बनाया गया चित्र है ये राजभवन भोपाल में ये मौजूद है, वहाँ पे इनकी चित्रकारी का एग्जीबिशन लगाया जाता है। देखिए, इनके ये आपके भारत भवन में जो आपके इनके जो चित्र बना करके वहाँ पे रखे गए उसे देख करके बहुत सारे विदेशी सैलानी इनसे मिलने छत्तीसगढ़ में आते हैं। ठीक है, भारत भवन भोपाल में है जहाँ पे इनकी चित्रकारी का एक नमूना वहाँ पे रखा गया है, तो इनकी चित्रकारी को देख करके बहुत सारे विदेशी इनसे मिलने छत्तीसगढ़ में आते हैं। ठीक है, तो आपके बेलगुर मंडावी कौन है, ये है आपके भित्ति चित्रकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको।
एमएसपी पर लघु वन उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी प्रदेश सरकार आपके लघु वन उपजों की खरीदी कर रही है। देखिए पहले अभी बीच में न्यूज़ आया था कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है 23 लघु वन उपजों का आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। पहले 22 था, पिछले वीडियो में हमने देखा जिसमें एक लघु वन उपज और बढ़ा, उसके बाद ये संख्या हो गई 23। सरकार ने दो और लघु वन उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की है। देखिए पहले 23 लघु वन उपज थे, दो नए और आए, नए कौन से हैं, गिलोय और भेलवा, ठीक है, गिलोय और भेलवा। तो आपके 23 लघु वन उपजों के साथ आपका गिलोय और भेलवा, इन दो लघु वन उपजों को खरीदे जाने की घोषणा आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अब छत्तीसगढ़ में कुल 25 लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश में इस आपके सीजन में कितने लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, तो आंसर होगा आपका 25, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ प्रोत्साहन राशि, जो आपके 25 लघु वन उपज है उसमें से 3 लघु वन उपज ऐसे हैं जिनकी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, तथा साथ ही साथ इसके पारिश्रमिकों को, यानी जो इसके मजदूर जो इसको इसका संग्रहण करेंगे, उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। तो वो लघु वन उपज कौन कौन से है, कुसमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद, ठीक है, कुसमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद, इन 3 लघु वन उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ साथ इसमें प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदान करेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खारून एक्सप्रेसवे, खारून एक्सप्रेसवे, ये जो खारून एक्सप्रेसवे है ये आपके रायपुर के भाटा गांव से लेकर के ये दुर्ग जिले में, दुर्ग और रायपुर की सीमा पर मौजूद है, दुर्ग जिले का कुम्हारी। तो ये भाटा गांव से कुम्हारी के मध्य छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो एक्सप्रेसवे निर्माण करने की योजना बना रही है। देखिए ये जो खारून एक्सप्रेसवे है इसका मुख्य उद्देश्य खारून नदी को प्रदूषण मुक्त करना तथा साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे बनाना है। देखिए खारून नदी के दोनों किनारों पर एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जो खारून नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके पैरेलल में, उसके समानांतर एक सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपके रायपुर के भाटा गांव से लेकर के दुर्ग और रायपुर दुर्ग की सीमा पर स्थित कुम्हारी तक इसका निर्माण किए जाने की योजना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य खारून नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना, साथ ही साथ एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका जो निधन कोरोना वायरस के संक्रमण से हुआ है, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आपके अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हुआ। ये जो अजय कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है। अजय कुमार त्रिपाठी जी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे तथा आपके पूर्व लोकपाल सदस्य थे, यानी वो अभी करंट में आपके लोकपाल सदस्य थे, जिनका निधन हो गया इसलिए पूर्व लोकपाल सदस्य थे। देखिए ये जो आपके अजय कुमार त्रिपाठी जी है, ये आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व न्यायाधीश थे। उसके पश्चात जो हमारे देश में जो लोकपाल का गठन किया गया, उस लोकपाल में आपके ये एक सदस्य भी थे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकपाल सदस्य। नेक्स्ट देखिए बेरोजगारी दर, अभी हाल फिलहाल में बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए गए हैं। ये आंकड़े जारी किया है आपका सीएमआईई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा बेरोजगारी दर के एक आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर, यानी पूरे भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 23.5% दर्ज की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 3.4% दर्ज की गई है, जो पिछले 12 महीने में सबसे कम है। देखिए ये जो सीएमआईई है, ये आपका टोटल, ये आपके पर मंथ यानी मंथली बेसिस पर ये आपके बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करता है, लेकिन इस बार उसने पिछले 12 महीने में आपका पूरे देश भर में बेरोजगारी दर कितना रहा और छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना रहा, इसके आंकड़े उसने जारी किए हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है वो आपका पिछले 12 महीने में हमारे इंडिया लेवल पर है आपका 23.5%, जबकि आपका छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो है आपका 3.5%, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर है ये पिछले 12 महीने में सबसे कम है, जिसका मुख्य कारण है आपका ग्रामीण आजीविका और मनरेगा रोजगार। जो हमारी वर्तमान सरकार है या भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो मुख्यतः आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। देखिए इसको लेकर के किसी प्रकार के उठपटंग कमेंट मत कीजिएगा। जब ये न्यूज़ आया था तब भी काफ़ी लोगों के उल्टे सीधे कमेंट आए थे कि बेरोजगार
बेरोजगारी दर जो है वो आपके हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बेरोजगार है, उसके बावजूद बेरोजगारी दर इतनी कम है, ऐसे उठपटांग कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है आंकड़ों को पढ़ना, ठीक है। वास्तविकता क्या है सभी को पता है, अभी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है आंकड़े आए हैं, आंकड़ों को बताना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। बेफिजूल की बातें करके समय वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है वो 23.5% है, जबकि छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है वो 3.4% है, ठीक है, जिसका मुख्य कारण है ग्रामीण आजीविका या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वर्तमान सरकार के द्वारा दिया जा रहा जोर और आपका मनरेगा रोजगार पर उनका जो मेन फोकस है। देखिए ये जो मनरेगा रोजगार है, इस मनरेगा रोजगार में जो पूरे देश में कुल मजदूरों का 24% हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूर मौजूद है, यानी मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले देश के कुल मजदूरों में 24% मजदूर हमारे अकेले छत्तीसगढ़ में है, यानी पूरी देश के मनरेगा मजदूर का लगभग 1/4 मजदूर वर्ग मनरेगा के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहा है। तो ये मेन कारण है जिसका ये रीजन बताया गया है कि जो बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में पिछले 12 महीने में इतनी कम क्यों है, ठीक है, ये फैक्टर को थोड़ा याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड, शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड जो कि मौजूद है तेतरा ग्राम रायगढ़ में, रायगढ़ के तेतरा ग्राम में मौजूद है आपका शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड। देखिए ये जो शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड है, इसमें अभी हाल फिलहाल में रिसाइकल यूनिट से गैस का रिसाव हुआ, इसके जो रिसाइकल यूनिट है इससे गैस का रिसाव हुआ, जिससे 7 मजदूर बेसुध हो गए यानी बेहोश हो गए, इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई, जिन्हें भर्ती कराया गया अस्पताल में। तो ये एक हादसा था, इसको थोड़ा याद कीजिएगा, व्यापम ऐसा प्रश्न उठा चुका है, पीएससी नहीं उठाता, व्यापम ऐसा प्रश्न उठाता है, इस हादसे से रिलेटेड एक प्रश्न काफ़ी पहले वो उठाया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में एक कंपनी में ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही रिलेटेड एक प्रश्न आया है, ठीक है। तो शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड, शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड तेतरा ग्राम रायगढ़ है, जहाँ पर आपका रिसाइकल यूनिट से गैस रिसाव हुआ, रिसाइकल यूनिट से गैस लीक हादसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अचानक मार क्षेत्र जहां पे अभी हाल फिलहाल में आपके 4 प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। देखिए 4 प्रवासी पक्षी यानी 4 प्रकार के प्रवासी पक्षी, देखिए प्रवासी पक्षी मतलब विदेशी पक्षी अभी हाल फिलहाल में अचानक मार क्षेत्र में आपके 4 प्रवासी पक्षियों को देखा गया है, उनको उनकी निगरानी के लिए वहाँ पे वॉच टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। ये जो प्रवासी पक्षी है ये इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों से इस अचानक मार वाले क्षेत्र में आए हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर ये पक्षी लगभग 6 महीना का ठहराव करेंगे, यानी 6 महीने तक रुकेंगे, इसके बाद ये वापस अपने देश लौट जाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो प्रवासी पक्षी है हमारे छत्तीसगढ़ में इस अचानक मार वाले क्षेत्र में, और इससे पहले हमने एक और पढ़ा है नीमगांव पक्षी विहार, जिसे विकसित किया जा रहा है जसपुर जिले में। तो इन दो जगहों पर और भी आपके बस्तर में एक दो जगह और है, लेकिन स्पेशली इन दो जगहों को याद रखिएगा, अचानक मार क्षेत्र और दूसरा है आपका नीमगांव पक्षी विहार जसपुर, ठीक है। इन दो जगहों पर आपके प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मछली बीज उत्पादन। वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारे छत्तीसगढ़ में 265 करोड़ मानक मछली बीज उत्पादन किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 265 करोड़ मानक मछली बीज का उत्पादन किया गया, ठीक है, मानक मछली बीज का उत्पादन किया गया। इस उत्पादन के साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इस मानक मछली बीज उत्पादन या मत्स्य उत्पादन के दृष्टिकोण से देश में 6वें स्थान पर है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है वित्तीय वर्ष 2019-20 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे यहाँ जो आपके मानक मछली बीज का जो उत्पादन हुआ ये सरप्लस है, यानी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ है, जिसके कारण ये जो छत्तीसगढ़ है इन बीजों का निर्यात 5 राज्यों में करेगी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन 5 राज्यों में इन बीजों का निर्यात करेगी। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात ये है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यानी इस चालू वित्तीय वर्ष में मछली उत्पादन या मानक मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 285 करोड़, ठीक है। इस साल जितना आपका बीज का उत्पादन किया गया, मछली बीज का उत्पादन किया गया, उससे 20 करोड़ ज़्यादा। इस वित्तीय वर्ष में यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 में 265 करोड़ मानक मछली बीज का उत्पादन किया गया। इस उत्पादन के साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है।
इस चालू वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 285 करोड़ मानक मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट बताए सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपका कथा विधि का, आपके भित्ति चित्रकारी और इधर तरफ आपका मछली उत्पादन। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।